हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर छविकर। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे टीपीए का एक टॉपिक है, मॉर्गेजर राइट टू रिडीम। देखिए, मॉर्गेजर के बहुत सारे राइट होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है वो है उसका राइट टू रिडीम। इसीलिए स्पेशली इसी टॉपिक पे जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखिए, राइट टू रिडीम क्या होता है? जब मॉर्गेजर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है मॉर्गेजी को, तो वो क्यों ट्रांसफ़र करता है? वो ट्रांसफ़र करता है एज ए सिक्योरिटी फॉर द लोन टेकन, कि जो उसने लोन लिया है उसकी एज ए सिक्योरिटी वो उसे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब ड्यू डेट आने पे उसका लोन ड्यू हो जाता है और मॉर्गेजर उस अमाउंट को पे कर देता है, फिर मॉर्गेजर का ये राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारे से वापस ले ले। इसी को बोलते हैं राइट टू रिडीम, कि आप अपना लोन का पेमेंट ड्यू डेट आने पे जब आप पे कर देते हो, तो फिर मॉर्गेजर का ये राइट हो जाता है कि वो राइट टू रिडीम करवा ले फ्रॉम मॉर्गेजी। और ये एक स्टैचुरी राइट होता है, ये एक लीगल राइट होता है। आप मॉर्गेज डीड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते जिससे कि आप मॉर्गेजर के राइट टू रिडीम को असर्प करते हो। तो ये अगर आप कोई ऐसा प्रोविज़न डलवाते हो जिससे कि मॉर्गेजर अपने राइट टू रिडीम को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल गलत होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ मॉर्गेजर राइट टू रिडीम। इट मीन्स आफ्टर ड्यू डेट पे आप अपने लोन अमाउंट को पे करके, अपने डेब्ट को पे करके, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने मॉर्गेज करी थी उसे वापस ले लेते हैं मॉर्गेजी से, सो इसी को राइट टू रिडीम कहते हैं। ये जो राइट टू रिडीम है, ये कौन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? मॉर्गेजर खुद भी कर सकता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी पे, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उस पे कोई और भी चार्ज क्रिएट है, तो वो चार्ज होल्डर भी एक्सरसाइज कर सकता है, मॉर्गेजर का कोई श्योरिटी भी कर सकता है, और मॉर्गेजर का कोई और क्रेडिटर भी जो है राइट टू रिडीम को एक्सरसाइज कर सकता है। अब हम देखेंगे कि राइट टू रिडीम को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, मीन्स वो क्या क्या काम करेगा मॉर्गेजर जिससे उसका राइट टू रिडीम जो है स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले है कि वो मॉर्गेजी को जो उसने लोन अमाउंट लिया है, जो उसने डेब्ट लिया है, उसका पेमेंट करेगा या उस अमाउंट को पेमेंट का टेंडर करेगा। देखिए, जब वो पेमेंट करता है या पेमेंट का ऑफ़र करता है, तो वो ऑफ़र अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर उसने उसके जो है एक से ज़्यादा मॉर्गेजी है, तो वो सभी मॉर्गेजी को जॉइंटली जो है पेमेंट का टेंडर करे या पेमेंट करे। अगर वो सिर्फ एक ही मॉर्गेजी को करता है, तो वो अपने राइट टू रिडेम्पशन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसी तरह की व्यू जो थी मोटली वर्सेस बर्ड जो लीडिंग केस है उसमें बताई गई थी। नेक्स्ट है बाय डिपॉजिट ऑफ द मॉर्गेज मनी इन द कोर्ट। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मॉर्गेजर अपनी ज़्यादा सेफ्टी के लिए डायरेक्टली मॉर्गेजी को पेमेंट ना करके उसको कोर्ट में डिपॉजिट कर देता है। तो जैसे ही कोर्ट में डिपॉजिट करता है, कोर्ट मॉर्गेजी को ये इंटीमेशन दे देता है कि आपका जो डेब्ट अमाउंट था, लोन अमाउंट था, वो मॉर्गेजर ने कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया है। तो उसके बाद वो अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सरसाइज कर सकता है। लास्ट मोड है इसका बाय फाइलिंग ए सूट फॉर रिडेम्पशन। देखिए, जब उसके प्रिंसिपल मनी ड्यू हो जाती है और वो उसका पेमेंट कर देता है, तो फिर वो कोर्ट में एक सूट भी फाइल कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को रिकन्वे कराने के लिए। तो वो उसके लिए सूट भी फाइल कर सकता है। तो तीन तरीके से वो अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज करता है, या तो मॉर्गेजी को डायरेक्टली पे कर दे, या कोर्ट में जमा कर दे, या कोर्ट में सूट डाल दे रिडेम्पशन के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि राइट ऑफ रिडेम्पशन किसे कहते हैं, कौन कौन इसे एक्सरसाइज कर सकता है, और कैसे वो जो है इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि राइट ऑफ रिडेम्पशन की क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मीन्स कि जब वो राइट टू रिडीम को एक्सरसाइज करता है तो उसे का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो है कि मॉर्गेजी को मॉर्गेज डीड या कोई और डॉक्यूमेंट भी जो उसकी कस्टडी में होते हैं, जो मॉर्गेजर ने
मॉर्गेज के टाइम रखवाए हैं वो सारे के सारे उसे रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उन सब पेपर पे मॉर्गेजी का कोई अधिकार नहीं है, अब मॉर्गेजर अपने जो डीड है या कोई और डॉक्यूमेंट है उन्हें वापस ले लेगा। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मॉर्गेजर। देखिए जब हमने टाइप ऑफ मॉर्गेज डिस्कस किए थे तो हमने एक टाइप पढ़ा था यूजुफ्रक्टरी मॉर्गेज। इस मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेजर जो है अपना जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन भी जो है मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र कर देता है, और मॉर्गेजी फिर उसको जो है उसकी फिजिकल जो पोजेशन ट्रांसफ़र करता है उस प्रॉपर्टी को वो इंजॉय कर सकता है। तो अगर ये वाला केस है तो जैसे ही वो राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज करता है तो अब मॉर्गेजी को उसका जो पोजेशन है वो वापस मॉर्गेजर को लौटाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ यूजुफ्रक्टरी मॉर्गेज के केस में ही होता है। लास्ट है आपका रिकन्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। देखिए इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं मॉर्गेजी के नाम पर, तो अब जब रिडीम हो गई तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी वापस आनी चाहिए मॉर्गेजर के पास, तो फिर मॉर्गेजी जो है दोबारे से उसे रिकन्वेंस करता है, रिट्रांसफ़र कर देता है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर के नाम पर। तो ये होते हैं इफेक्ट। इट मीन्स उसको अगर पोजेशन दिया है तो पोजेशन वापस मिल जाएगा, अगर उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी तो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, या उसने जो मॉर्गेज डीड या कोई और डॉक्यूमेंट दिए थे उसको वो भी उसे वापस मिल जाएंगे। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ रिडेम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे सिर्फ राइट टू रिडेम्पशन पूछा जाता है तो पहले आप राइट ऑफ रिडेम्पशन का मीनिंग बताएंगे, फिर बताएंगे कौन कौन ये एक्सरसाइज कर सकता है, फिर आप बताएंगे कैसे हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे कि राइट टू रिडेम्पशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।